दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कुछ दिन पहले हमने आपको सीपी ऑफिस से लाइव दिखाया था। बुंदू खान जो फरीदाबाद सेहतपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया था पप्पू कुरैशी, फज्जू कुरैशी और कई अन्य लोगों ने उनको किडनैप किया, रात भर पिटाई की और कट्टे की बट से उनके सिर पर मारा, बहुत पीटा और उन्होंने फरियाद की थी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। तो पुलिस ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें तीन लोगों के मुख्य नाम हैं, बताना चाहूँगा। एक है पप्पू कुरैशी, जिसको मैं जानता हूँ डबुआ का है, बाकी दो लोगों को मैं नहीं जानता। इसकी फ़ोटो दिखाऊँगा, ये देखिए, ये है पप्पू कुरैशी जो फरीदाबाद डबुआ में रहता है और बदमाशी करता है, किडनैपिंग करता है और भी ठगी वगैरह करता है। ये है पप्पू कुरैशी और दो लोग और हैं इसमें, मैं बताना चाहूँगा उनके क्या नाम हैं। ये देखिए, पूरी रिपोर्ट भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा ये वारदात कब की है। दिखा दो भाई कैमरा मैन। ये नाम है फज्जू कुरैशी उर्फ फज्जू पहलवान, पप्पू कुरैशी और तीसरा है शम्मी पहलवान व अन्य लोग, यानी इनके साथ जो 15-20 बदमाश थे वो अन्य में शामिल किए गए हैं। अब मैं आपको मुकदमा नंबर दिखाऊंगा, ये दिखाओ भाई कैमरा मैन। मुकदमा नंबर है 21, डबुआ थाने में दर्ज है 18 जनवरी को, अंडर सेक्शन दिखा दो 147, 149, 323, 365, 506। इसमें जो 365 लगी आप लोग देख रहे हैं, ये किडनैपिंग की धारा है जिसमें 7 साल की सजा है, फाइन है और ये सजा बढ़ भी सकती है। हालांकि इसमें जो आरोप लगाए गए थे, पिस्टल दिखाई गई, पिस्टल की बट से मारा गया तो उसमें आर्म साइड भी लगना बाकी है। इसके अलावा और भी कुछ धाराएं लगनी बाकी हैं क्योंकि इसमें साजिश की गई, 120 भी लगनी बाकी है, पुलिस बाद में लगाएगी। फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा काफ़ी दौड़ भाग के बाद दर्ज हुआ है। बहुत परेशान किया गया बुंदू खान जी को, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो हिम्मत नहीं हारे। उनको डबुआ थाने में जब भी जाते थे बहुत प्रेशराइज किया जाता था। ये पप्पू कुरैशी अपने साथ 15-20 लोगों को लेकर पहुंचता था, उन पर प्रेशर डालता था, डराता था, धमकाता था, लेकिन वो डरे नहीं और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। अब मैं आपको बताऊंगा ये केस क्या था। बुंदू खान ने ये मुकदमा दर्ज कराया है, बेचारे को रात भर पीटा गया, उसने रो रो कर अपनी फरियाद पुलिस से की, उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज होने में 3-4 दिन लग गए क्योंकि काफ़ी प्रेशर डाला गया उस पर और पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर था। देख सकते हैं, मैं बताऊंगा इसमें बुंदू खान ने क्या लिखवाया है। दिनांक 12/1/2024 को फज्जू पहलवान निवासी सेहतपुर फरीदाबाद डबुआ, जो कि कबाड़े को खरीदने व बेचने का काम करता हूं, बुंदू खान बता रहे हैं कमीशन पर, मैं भी कबाड़े को खरीदने व बेचने का कमीशन पर काम करता हूं। दिनांक 12/1/2024 को शाम 5 बजे फज्जू कुरैशी का फोन मेरे पास आया, ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स दिलवा दो, खरीदार पार्टी मेरे पास पैसे लेकर बैठी है और आप अभी आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं घर जा रहा हूं। वो कहने लगा नहीं, आप डबुआ मंडी आ जाओ। मैं ओल्ड चौक से ऑटो पकड़कर डबुआ मंडी पहुंचा, वहां जाकर मैंने देखा दो शख्स और बैठे हैं। वो मुझसे बोले, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता। उनमें से एक शख्स बोला, मैं पप्पू कुरैशी हूँ। इतनी देर में उन्होंने मुझे सिगरेट पीने के लिए बोला। मैंने कहा मैं सिगरेट नहीं, बीड़ी पीता हूँ। उसी दौरान दो गाड़ी स्कॉर्पियो रंग सफ़ेद वहां आई और उसमें से 10 से 15 लोग उतरे और मेरे पास आकर कहने लगे, बुंदू खान कौन है? मैंने कहा मैं बुंदू खान हूँ। उन्होंने मुझे पकड़कर गाड़ी में पटक दिया, उसके बाद मुझे गाड़ी में लात घूंसे से पीटा और मुझे माँ बहन की गाली दी। मैंने कहा मेरा कसूर क्या है? वो वहां से गाड़ी को BPTP के जंगल की तरफ ले गए, वहां दो कमरे बने हुए थे, वहां जाकर मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए, आप लोग देख रहे हैं कपड़े भी उतरवा दिया और मुझको बहुत मारा। उसके बाद मुझसे कहने लगे कि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इसके बाद दूसरे कमरे में 5 से 6 गायें बंधी हुई थी और वो कहने लगे गाय काटने के इल्जाम में जेल में भिजवा दो। तो देख रहे हैं आप, बुंदू खान को कह रहे हैं कि इसको गाय काटने के आरोप में जेल भिजवा दो। इतने में एक शख्स ने रिवॉल्वर पिस्टल निकाली और मेरे सिर पर रख दी और कहने लगा,
आज तेरी जिंदगी खत्म। उसके बाद उनके पास एक फोन आता है और फिर मुझे गाड़ी में दोबारा डालकर ओल्ड भड़कल चौक के पास पेट्रोल पंप पर किसी का इंतजार करते रहे। फिर उसके बाद मुझे ओखला सब्जी मंडी दिल्ली ले जाया गया। वहां गाड़ी खराब हो गई और मुझे गाड़ी में से उतारा और कहने लगे, अगर शोर मचाए तो यहीं जान से मार देंगे। फिर उसके बाद एक बेसमेंट में ताला खुलवाकर मुझे उसमें धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और वहां ले जाकर मुझसे कहने लगे कि हम दो शख्स पुलिस वाले हैं। और इसके बाद मेरे सारे कपड़े उतराकर मुझसे कहने लगे इसके इसके गुप्तांग में पेट्रोल डाल देते हैं। इतने में एक शख्स ने पिस्टल निकालकर मेरे सिर पर दे मारी और मुझे लात घूस से फिर मारा। और इसके बाद मेरी गर्दन को एक शख्स ने टांगों के बीच में दबाकर मेरी पीठ पर कोहनी से वार किए। इसके बाद मेरे साथ गाली गलौज माँ बहन की गाली दे और मुझे लगातार मारते रहे पीटते रहे। वहां मौके पर फज्जू पहलवान और पप्पू कुरेशी और इनके साथ सम्मी पहलवान भी मौजूद थे। तो आप लोग देख रहे हैं, आपने देखा होगा पप्पू कुरेशी कहता रहा मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो समाज सेवी हूँ, मैं तो जेजीपी पार्टी का नेता हूँ। लेकिन ये लोग बुंदू खान को फरीदाबाद से किडनैप करके दिल्ली ले गए और वहां पर पूरी वारदात में ये पप्पू कुरेशी भी जेजीपी का नेता है ये भी शामिल था। वहां पर ये मारने पीटने में भी रहा। तो मैं पप्पू कुरेशी और फज्जू कुरेशी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो। लेकिन जैसे ही ये शब्द मैं बोला मेरे गाल पर थप्पड़ लात घूंसे मारते। इन तीन लोगों के साथ करीब 15-16 लोग और थे। मैं वहां गिड़गिड़ाता रहा लेकिन मेरी एक ना सुनी। मेरी पत्नी फोन करती तो कहते उसको बोल दे तू गुरुग्राम सेक्टर 14 में है, कल आ जाएगा। और मेरा फोन छीन लिया। मेरे फोन पे कोई भी फोन आता तो मुझे मारते, फिर फोन म्यूट करवा कर फिर मारते। उसके बाद मारते और पीटते। मेरे बेटे ने फज्जू पहलवान से फोन पर बात की, मेरे पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा मेरी आज उनसे कोई बात नहीं हुई। फज्जू पहलवान का नंबर एक शख्स अनुसार कुरेशी से लिया और वो कहने लगा मेरी बुंदू खान से कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद पप्पू कुरेशी और उनके साथी मेरे से कोरे कागज पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए और कहने लगे कि तू फरीदाबाद में किसको जानता है? मैंने कहा मेरे बड़े भाई के दामाद की 5 नंबर NIT में चिकन की दुकान है जिनका नाम उमरुद्दीन है। जिसके बाद उन्होंने उमरुद्दीन से बात की और उमरुद्दीन कहने लगा ये मेरे चाचा ससुर हैं। पप्पू कुरेशी बोला कि आप तो रिश्तेदार निकल आए, अब इसको मत मारो, जाने दो। इतने में दो शख्स मुझे फिर से मारने लगे और वहां से पकड़ कर बाहर ले आए और बोला कि अगर तूने कंप्लेन की तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। मैंने कहा कि मैं अब सीधा घर जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सीधा ऑटो पकड़कर बॉर्डर आया। बॉर्डर आने के बाद मेरा बेटा मुझे वहाँ खड़ा मिला और मैं सराय में अपने दोस्त के घर गया और वहाँ से डायल 112 पर फोन किया, पुलिस की मदद ली। और उसके बाद सेक्टर 37 की पुलिस को भी मौके पर बुलाया और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन देकर दूसरी गाड़ी में बिठाया। डबुआ थाने में तैनात पुलिसकर्मी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे कहने लगा कि सुबह आना। और जब SHO साहब आ गए, जिसके बाद हमने दिनांक 13/1/2024 को CP ऑफिस में कंप्लेन दी और CP ऑफिस से मिली। इस दौरान CP साहब ने हमें बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक हमारी बात सुनी और न्याय का भरोसा दिया। और उसके बाद भी काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी, तब ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक सफ़ेद पोश आदमी जो पप्पू कुरेशी JJP का नेता अपने आप को बताता है, जिला महासचिव बताता है, और पता नहीं इसको कैसे पद मिल गया, जो बदमाशी कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, लोगों को उठवा रहा है, रात भर पिटवा रहा है, और उसके बाद पिटवाने के बाद कहता है आप तो रिश्तेदार निकल आए। यानी कि मार लिया, पीट लिया और उसके बाद रिश्तेदार भी बना लिया ताकि वो इस पर मुकदमा दर्ज ना करे। और 4-5 दिन उसको बहुत प्रेशराइज किया गया, डबुआ थाने आता था तो उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। CP ऑफिस जाने के बाद भी 3 दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि थाने में जब भी जाता था 15-20 आदमी पप्पू कुरेशी के वहां आते थे, उसको धमकाते थे, डराते थे और ऐसा थाने को घेर लेते थे कि बुंदू खान डर जाता था। कई बार वहां से उसको भागना भी पड़ा। ये सब बुंदू खान ने हमें भी बताया है, पुलिस को भी बताया है। उसके बाद ये DCP साहब को पेश हुए, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। खैर मुकदमा तो दर्ज हुआ, अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती भी है या मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। किडनैपिंग की धारा लगी है, छोटी मोटी धारा नहीं है। इसके अलावा
आर्म्स एक्ट भी लगना है इसमें, और भी कई धाराएं लगनी है। अब पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे मामलों में ढील दी गई तो ये किसी को भी उठाएंगे, रात भर मारेंगे पीटेंगे, और इन पुलिस प्रशासन का इनमें डर नहीं होगा। तो अब देखना है पुलिस प्रशासन इन बदमाशों में अपना डर कैसे कायम रखती है। जो भी होगा बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।